महाकाली कैलाश वापस तो लौट आई, मगर शिव उन्हें ये बता चुके हैं कि अब उन्हें अपनी आदि शक्ति के रूप में दुनिया का भला करना होगा। भक्तों को दर्शन, वरदान और मोक्ष प्रदान करना होगा। मगर काली संकल्प लेती है कि चाहे जो हो जाए, वो काली रूप कभी नहीं लेंगी और ना ही अपने शिव पर पैर रखेंगी। लेकिन उनकी तपस्या में लीन दारुक की पत्नी दारुका काली की निराकार उपासना कर रही है और उसे दारुक से पता चलता है कि निराकार आदि शक्ति साकार रूप में जन्म ले चुकी और दारुक कहता है कि वो पार्वती का आवाहन करे। पार्वती दारुका की प्रार्थना को अनसुना करती हैं, मगर शिव कहते हैं कि उन्हें दारुका को दर्शन देना होगा। माँ पार्वती दारुका को दर्शन देकर वर मांगने को कहती है, लेकिन दारुका उनसे वर नहीं मांगती और अपने घर आरती पर आने के लिए कहती हैं। मगर उसका पति पहले ही दारुका को कह चुका है कि वो माँ पार्वती से वन देवी होने का वरदान मांगे और इस वन में दारुका की मन मर्जी बिना कोई देव दानव निकल न सके। पार्वती समझ जाते हैं कि दारुका को उसका पति दारुक इस वरदान के लिए प्रेरित कर रहा है। पार्वती उसे वरदान देकर निकल जाती हैं, मगर दारुक शुंभ निशुंभ से मिला हुआ है और उनके कहने पर वो वन को लेकर कैलाश आ जाता है, जिससे वो पार्वती को वश में कर सके। पहले पार्वती शिव से कहती हैं कि वो देवताओं को काली के रूप में मदद नहीं दे पाएंगी, लेकिन बाद में वो दारुका को समझाने जाती हैं। लेकिन दारुका पार्वती से कहती है कि वो काली को शुंभ निशुंभ को समर्पित कर दे, लेकिन पार्वती ने जब दारुका को वरदान दिया था तो ये भी कहा था कि वन को नियंत्रण करने की शक्ति वन देवी के रूप में तब तक रहेगी जब तक वो पतिव्रता रहेगी। अब पार्वती को एक महायुद्ध लड़ना है। अब वो ये युद्ध काली के रूप में लड़ेगी या नहीं, ये हम आपको ट्विस्ट एंड टर्न में बताएंगे।